इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बछरावा रोड पर जमकर हेरा फेरी व भ्रष्टाचार किया जा रहा। बिना फीड कर डाल रहे थे लोग पेट्रोल। ऐसे ही सुबह से शाम तक गड़बड़ी कर लोगों को काफी चूना लगाया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र की पीड़ित अवधेश कुमार निवासी लोधीपुर ने इसका विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। तो पीड़ित अवधेश कुमार ने बताया कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बछरावा रोड पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने गया। हमने कहा कि पेट्रोल फीड करके डाले, लेकिन पेट्रोल बिना फीड कर डाला गया। इस पेट्रोल पंप पर ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए आज शिकायत करना आवश्यक हो गया था। इसकी शिकायत पेट्रोल पंप पर प्रबंधक से करने का प्रयास किया गया तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और मारपीट पे उतारू हो गए। इस पेट्रोल पंप पर लगातार बिना फीड कर पेट्रोल डाला जा रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा। इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। पेट्रोल पंप संचालक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में तेल डालने में कई तरह की गड़बड़ी करते हैं, जिसके चलते ग्राहक को सही मात्रा में तेल नहीं मिलता। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार पेट्रोल पंपों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और गड़बड़ी करने वालों को कार्यवाही भी की जाती है। तो वहीं गड़बड़ी करने वाले पंपों पर कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ रही ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो सके। पेट्रोल पंप यूँ तो अक्सर घटतौली का खेल खेलते हैं, लेकिन अगर लोग सतर्क दिखाए तो इससे बचा जा सकता है। क्षेत्र के अवधेश कुमार ने पेट्रोल पंप की गड़बड़ी की पोल खोल दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जमकर गड़बड़ी करने वाले पेट्रोल पंप पर कोई कार्यवाही होती है या ऐसे ही लोगों को नुकसान सहना पड़ेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। ये क्या मामला हुआ पेट्रोल पंप पे आज? ये हुआ कि यानी कि हमने कहा इससे 100 रुपए पेट्रोल फिट करके डाल दीजिए। अच्छा, इन्होंने फिट करके नहीं डाला तो ये इन्होंने समझा कि जो है कि मतलब ये जानते हैं तो हमारी गाड़ी में जो है कि पेट्रोल जो है कि बढ़ गया। अच्छा, तो हमने कहा भैया क्यों बढ़ा देते हो यार, दूसरी गाड़ी में क्यों कम कर देते हो? हाँ। तो कहें तुम क्या करोगे? अच्छा, तुमसे क्या मतलब है? हाँ। तो हमने कहा भैया मैनेजर है जो है कि बात कर ले। हाँ। इन्होंने कहा जो है कि मैनेजर नहीं है, यानी कि 100 नंबर वाले अंदर बैठे थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा जो है कि तुमको जो करना हो कर लीजिए। हाँ। हमने थाने आए, थाने मैडम जी से बताया तो मैडम जी ने कोई इंक्वायरी नहीं किया। अच्छा, कोई इंक्वायरी नहीं किया। हाँ। हमने भाई को फोन किया। अच्छा। हमने कहा ऐसा ऐसा मैटर है हमारे साथ, 2-3 बार हो चुका है। हाँ। एक सिपाही ने 100 नंबर वाला कहा जो है कि हाँ 2-3 बार का तुम्हारा मैटर हो चुका है। हाँ। तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? हाँ। हमने कहा ये कंप्लेन मांगते हैं रजिस्टर। उन्होंने कहा कि जो है कि रजिस्टर नहीं देंगे। क्या करोगे? जो तुमको उखाड़ना उखा लो। इतने पे हमने वहाँ चले। आप किस गांव के रहने वाले हैं? लोधीपुर। लोधीपुर कहाँ पड़ते हैं? ये पिंडारी कला ग्राम सभा। अच्छा अच्छा, ये पेट्रोल पंप कहाँ पे है? ये बथनावा रोड पे है। किसका पेट्रोल पंप है, कौन है मालिक? ये पेट्रोल पंप को मालूम है, इंडियन ऑयल का पंप है। अच्छा, बछरावा रोड पर। और क्या बात है पेट्रोल पंप वाला? नहीं वो कोई बात नहीं, 2-3 बार हमारा इसके साथ मैटर हुआ था। हमने क्या ये बिना फीड करके फर्जी तरीके 10 बजे हमने इन्होंने डीजल डाल रहे थे एक बार पहले जो है कि। अच्छा, हम लखनऊ से आ रहे थे। अच्छा, हमने कहा भैया पेट्रोल डाल देंगे कहीं नहीं डालेंगे, दारू भी पिए थे। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है ये नहीं डालेंगे, हम चले जाएंगे खुला तेल डाला लेंगे। तो कहीं जो है कि जाओ कुछ करो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, धमका रहे थे। हाँ, तो हमने चले भी गए तो आज दिन में आए जो है कि, तो हमने कहा 100 रुपये पेट्रोल फिट करके डाल दिए। अच्छा, इन्होंने फिट करके नहीं डाला। अच्छा, फिट करके नहीं डाला, ऐसे डाला? ऐसे डाला। ऐसे में हम कैसे मान लेंगे जाने कि हमारी गाड़ी में कितना तेल भरा? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो गड़बड़ लगवाने के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं मानेंगे। अच्छा। महाराजगंज से अरविंद मौर्या की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।